नगर परिषद ज्वालामुखी में 29 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ केंद्रीय सर्वेक्षण टीम ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ इला जोसेफ ने बताया कि घरों से गीला व सूखा कचरा अलग लेना होगा और हर माह इसके लिए ₹50 शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि शुल्क न देने की स्थिति में जुर्माना भी वसूला जाएगा। ज्वालामुखी में केंद्रीय सर्वेक्षण टीम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय टीम ने सफाई से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया और महिलाओं को स्वच्छता मिशन पर जागरूक किया। नगर परिषद अध्यक्षा भावना सूद ने कहा कि ज्वालामुखी शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर शहरवासी का दायित्व है कि वे अपने घर से सूखा व गीला कचरा अलग अलग रखकर सफाई कर्मियों को दें। इसके अलावा विशेषज्ञ इला जोसेफ ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम ने शहर की सफाई व्यवस्था जांची और शौचालयों का भी निरीक्षण किया। विशेषज्ञ इला जोसेफ ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त दिखी और शहर के अधिकांश सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे दिखे। शक्तिपीठ होने के कारण यहां सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, जिसके लिए सुझाव दिए गए हैं। ज्वालामुखी है, इसका मुआयना कर सकें और यहाँ पे कूड़ा प्रबंधन किस प्रकार हो रहा है उसको देख सकें। क्या घर घर के अंदर कूड़ा अलग अलग करके दिया जा रहा है, क्या घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, क्या आपकी गलियाँ साफ़ है, क्या आपका शहर साफ है, इस चीज़ का मुआयना करने हम यहाँ पे आए हैं। अभी हमने SHG जो कि सहज जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं उन लोगों के साथ मीटिंग की है। इनमें कई नॉमिनेटेड और इलेक्टेड आपके मेंबर्स भी थे। उनको हमने बताया है कि आपने कूड़ा अलग अलग करके देना है, जिस अगर वो इस तरह नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में उनके ऊपर पेनल्टी भी लेवी हो सकती है। हमने ये सुझाव दिए हैं कि पहले सबसे पहले जो नागरिक हैं शहर के वो ही जागरूक हों इस अभियान के प्रति, जो कि खुद श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, और उस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, ताकि आपका अगर नागरिक शहर के जागृत होंगे तभी हमारा शहर जागृत होगा, शहर जागृत होगा तो भी हमारा देश जागृत होगा और स्वच्छ रहेगा। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।